नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब इस महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बिहार में लोगों की मानसिकता और सिस्टम के गाल पर तमाचा जड़ दिया था। इसका क्रंदन ऐसा था कि किसी का भी कलेजा फट जाए। जाहिर है इसका पति भी व्यवस्था की भेंट चढ़ गया है, लेकिन इस हालात में भी महिला के साथ जैसा सलूक किया गया वो भी आप जानते हैं। बीमार पति के इलाज के लिए भागलपुर से पटना आई नोएडा के रहने वाली महिला रुचि रोशन के साथ छेड़खानी हुई थी, वो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने की थी। रात में ड्यूटी करने वाला आईसीयू इंचार्ज महिला को गलत तरीके से देखता था। पति रोशन की मौत के बाद सोमवार को महिला ने खुद से इस बात का खुलासा किया था। ऐसी घटना उसके साथ सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि भागलपुर के भी एक अस्पताल में हुई थी। इस मामले के सामने आते ही भागलपुर की पुलिस ने सबसे पहले इंक्वायरी शुरू कर दी थी। अब इस मामले में पटना पुलिस ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। महिला के साथ पटना के बहादुरपुर गुमटी के पास स्थित राजेश्वर हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उस मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के आदेश के बाद पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने पीड़ित महिला से कॉन्टेक्ट किया, उनसे लिखित में उनका बयान भी मांगा। बुधवार को महिला ने पत्रकार नगर थाना को अपने साथ हुए हर एक बात की लिखित कंप्लेन दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उनके पति को गंभीर हालत में 26 अप्रैल की रात भागलपुर से पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया था, तब यहां के डॉक्टरों ने उनकी इलाज सही से नहीं की। रात के वक्त आईसीयू का इंचार्ज अखिलेश था, वो अपनी ड्यूटी करने की जगह गंदी नजरों से उन्हें देखता रहता था, गंदे इशारे करता था। इसके अलावा हॉस्पिटल की नर्स अवैध तरीके से वसूली भी करती थी। अब पीड़ित महिला के बयान पर पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने एफआईआर नंबर 285/21 दर्ज कर ली है। इस प्रकरण पर एसएसपी ने कहा कि उनकी टीम पूरी निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच करेगी, दोषी जो कोई भी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा की रहने वाली महिला होली के वक्त ही अपने पति के साथ भागलपुर स्थित अपने ससुराल आई थी, तब से दोनों वहीं रह रहे थे। इसी दौरान रोशन की तबीयत बिगड़ गई थी। पहले उन्हें भागलपुर और फिर बाद में पटना के हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया था, जिस दौरान की ये सारी घटनाएं सामने आई। इस घटना के बाद महिला ने सबसे पहले भागलपुर के एक अस्पताल पर आरोप लगाया, जहां पर कार्रवाई की गई। उसके बाद अब पटना पुलिस भी पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी हैं उनको बख्शने नहीं जा रही है। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने आदेश दे दिया है और इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि महिला के इस कंप्लेन देने के बाद क्या पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल पर वो कार्रवाई हो पाती है जो वो महिला चाहती है, क्योंकि कोरोना के इस संकट काल में महिला के साथ जो कुछ भी हुआ वो मानवीयता को तार तार करने वाली तस्वीर थी। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए सर, मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के।